हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वोटर लिस्ट में अपना नाम किस तरह से अपने मोबाइल में देख सकते हैं? तो दोस्तों वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आसानी से अपने मोबाइल में किस तरह से देख सकते हैं, तो मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप आसानी से बड़े सरल तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी भी अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है, अगर आपने पहले से जुड़वा रखा है, तो आप अपने मोबाइल में आसानी से अपना नाम देख सकते हो। दोस्तों आपको अपने गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है ECI वोटर इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ECI वोटर इन्फॉर्मेशन नाम डालते ही कुछ इस तरह से वेबसाइट खुलेगी। तो दोस्तों ऊपर ही ऊपर की जो ECI वोटर इन्फॉर्मेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जहाँ पर हमें जिस तरह से जो आंकड़े दिखाए गए हैं वहाँ पर हमें भरना है। दोस्तों अपना जो सही सही नाम है वो यहाँ पर फिलअप करना है। दोस्तों जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, दोस्तों मेरा नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने मेरा नाम डाल दिया है और यहाँ पर आप जिस तरह का अपने पिताजी का या फिर किसी भी रिलेटिव का जो आपने नाम दिया है वो यहाँ पर डाल देना। दोस्तों मैं डाल देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर डालने के बाद आपको आगे अपनी उम्र डालनी है। तो दोस्तों मैं मेरी उम्र डाल देता हूँ। दोस्तों मेरी उम्र है 18 साल, तो मैं 18 कर देता हूँ। और दोस्तों आगे मैं मेल कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आगे दिखा रखा है राज्य, तो आपने जो जिस राज्य से हो उस राज्य को चुन लेना है। दोस्तों मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। दोस्तों मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूँ। और दोस्तों फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसको चुन लेना है। और दोस्तों फिर यहाँ पर जो नीचे नीचे सबसे नीचे जो ये कैप्चा कोड दिखाया गया उसको आराम से भरना है। देखिए दोस्तों अगर ये गलत किया तो फिर से करना पड़ सकता है आपको। तो दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ। और दोस्तों फिर आपको इस कैप्चा कोड को खोज सर्च में कर देना है। खोज या सर्च दिखा रखा है। दोस्तों मेरा कैप्चा कोड है वो गलत हो चुका है, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। दोस्तों ये सही नहीं दिखता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है कभी, तो इसको आसानी से देख आपको आराम से करना है। और फिर दोस्तों फिर से सर्च कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नीचे ही नीचे है वो देखो आ गया है। अगर आपका अगर चेक करना चाहते हो तो जिसी तरह मैंने जिस तरह से बताया आप इसी तरह से सर्च कर सकते हो बड़ी आसानी तरीके से। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।